सब्सक्राइब करें स्ट्राइक एंड पॉकेट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए कैरम रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट कैरम लर्निंग यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। यूट्यूब कमेंट सेशन के एक कमेंट सेशन में एक कमेंट आया था, जो कमेंट था ये, अशरफ भाई कैरम खेलते वक्त स्ट्राइकर उछलता है कैसे, ओवरकम करूँ इस प्रॉब्लम को। उदय परमार जी ने ये क्वेश्चन पूछा था, इनको मैंने रिप्लाई में बोला था कि ठीक है सर, हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं अभी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो। अगर आपके हाथ से कभी स्ट्राइकर उड़ा है या आपने कभी किसी के हाथ से देखा है स्ट्राइकर उड़ते हुए, तो बेसिकली क्या है वो प्रॉब्लम, क्यों उड़ता है और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है, वो इस वीडियो के दौरान मैं कवर करने जा रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है इस टॉपिक के ऊपर तो ज़रूर आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो प्रॉब्लम की थोड़ा सा डीप में जाता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके हाथ से स्ट्राइकर उड़ रहा है तो उसकी वजह है कि आपका इंडेक्स फिंगर है वो प्लेइंग सर्फेस को टच हो रहा है, तो तभी आपका स्ट्राइकर उड़ेगा। और अगर उड़ रहा है तो क्या हमें जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो प्लेइंग सर्फेस से हटा देनी है? तो बिल्कुल नहीं, जो ग्रिप है वही ग्रिप में स्ट्राइकर नहीं उड़ना चाहिए, मतलब हम जो है ओरिजिनल हमारी ग्रिप वैसे ही होना चाहिए और ग्रिप में चेंजेस करे बगैर हमारा स्ट्राइकर हाथ से उड़ना बंद होना चाहिए, तो हमारा कंसेप्ट ये है। मैं आपको बता दूं, कभी कभी आप जानबूझ के कोशिश कर लो स्ट्राइकर उड़ाने की, आप नहीं उड़ा पाएंगे, और कभी कभी आप चाह के भी रोकना चाह लो अपनी जो ओरिजिनल ग्रिप है उससे, तभी भी आपके हाथ से स्ट्राइकर उड़ता चला जाएगा। तो उसकी कुछ वजह है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम एरियाज है जिनकी वजह से ही हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है, लेकिन जब भी आएगी ना तभी आपका गेम को और आपके कॉन्फिडेंस लेवल की वाट लगा के जाएगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब भी ये हमारे साथ होगा तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हमारे साथ ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें इससे बाहर कैसे निकलना है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम एरियाज की बात कर लेते हैं, किस किस ऐसी वजह से ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं पाउडर जो हम जिससे जो पाउडर डालते हैं वो पाउडर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आप बात करते हो, क्योंकि पाउडर की वजह से आपका गेम कैसे होने वाला है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब पाउडर मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि पाउडर ऐसा होना चाहिए, मतलब हम इंडिया में है, हमें तो बाहर से भी लोग देख रहे हैं, लेकिन हम एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे बोरिक एसिड पाउडर का इस्तेमाल होता है कैरम खेलने के लिए। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूरोपियन साइड में जाते हैं तो वहाँ पे पोटैटो स्टार्च वगैरह यूज़ होता है और वहाँ पे बोरिक एसिड पाउडर बैन है, इसीलिए वहाँ पे पोटैटो स्टार्च पाउडर का इस्तेमाल होता है। और अब हम बोरिक एसिड के बारे में थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो बोरिक एसिड में आपको इतनी वैरायटीज देखने मिल जाएंगी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वो आपको पता होना चाहिए, हमें चाहिए बोरिक एसिड प्योर ग्रेड पाउडर। और ऐसे में पाउडर दो तरह की होती है, बोरिक एसिड में एक रवा टाइप पाउडर होता है, मतलब अगर आप उसको हाथ से ऐसा करेंगे तो एक कैसा आपको फील होगा, रवा होता है ना, आप उसको अगर ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ ऐसे मतलब छोटे छोटे दाने वगैरह है, तो वैसा फील नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए पूरी स्मूथ पाउडर जो हाथ में ऐसा करने पर भी फील ना हो और बिल्कुल स्मूथ लगे लाइक पाउडर, और कोई भी ऐसे छोटे बारीक पत्थर की तरह हाथ में फील ना आए। तो हमें पाउडर चाहिए जो पहले तो पूरी तरह से स्मूथ हो, और अगर पूरी पाउडर फील हो हाथ में, और अगर वो रबर टाइप पाउडर लग रही है ना तो उससे जो है वो स्ट्राइकर आपका पूरी तरह से ग्रिप नहीं करता है कैरम पे, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपका स्ट्राइकर उड़े। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिप। आपका इंडेक्स फिंगर अगर प्लेइंग सरफेस को टच होता है और आप इस तरह से छोड़ते हो तभी आपको ये प्रॉब्लम होगा। अगर आपका इंडेक्स फिंगर प्लेइंग सरफेस पे टच ही नहीं होता है, आप ऊपर के ऊपर मारते हो, तब ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता। 99.99% ये प्रॉब्लम ऐसे जब आप ऊपर से मारते हो तब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसको जो फोर्स चाहिए नीचे से उड़ाने के लिए वो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि आप इसको सिर्फ ऊपर से मार रहे हो तो स्ट्राइकर उड़ने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी ओरिजिनल ग्रिप है, हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो प्लेइंग सरफेस को टच होता है, और अगर हमारा स्ट्राइकर उड़ने की शुरुआत हो गई तो हमने स्ट्राइकर को ऊपर से मारना है? बिल्कुल नहीं यार। अगर ग्रिप चेंज कर दिया आपने तो आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा और फिर वापस चले जाओगे आप 10 लेवल पीछे, और वापस से आने में आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा, और ऐसे में ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम जो है हमारी जो ओरिजिनल ग्रिप है उसी के साथ हम लोग आगे बढ़े
और उसी को हम इम्प्रूव करें और समझें कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। अब ऐसे में थोड़े से चेंजेस हम कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा अपनी जो नेल्स है ना, नाखून, उनको छोटे रखो। अब मेरे उल्टे हाथ के नाखून हमेशा आपको बड़े मिलेंगे राइट हैंड हैंड के नाखून से। हर 2 या 3 दिन में मैं नाखून काटता हूँ। इसकी वजह यह है क्योंकि जो ये जो ग्रिप है ना बगैर नाखून की, ये ग्रिप मतलब परमानेंट ग्रिप है। अगर नाखून के साथ आप खेलते हो तो ये ग्रिप आपकी बार बार चेंज होती है, क्योंकि नाखून छोटा बड़ा वापस काटते हो वापस बढ़ जाता है, वापस काटते हो वापस बढ़ जाता है। लेकिन अगर नाखून है ही नहीं तो ये जो ग्रिप है ना ये परमानेंट है और अच्छी भी लगती है और बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर हमेशा। और अगर आपको आदत नहीं है बगैर नाखून के खेलने की तो डाल लो, क्योंकि बगैर नाखून के स्ट्राइकर उठने के चांसेस कम हो जाते हैं। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्राइकर। अब स्ट्राइकर का भी बहुत बड़ा रोल है अगर आप बात करते हो स्ट्राइकर उड़ने में। सबसे पहले तो नीचे का सरफेस, नीचे के सरफेस में अगर लेवल नहीं है, खड्डा है या अनइवन है, तो ऐसे में वो ग्रिप नहीं करता प्लेइंग जो कैरम के सरफेस है उसके ऊपर। अगर पाउडर सही है, कैरम का सरफेस सही है और अगर स्ट्राइकर का सरफेस सही नहीं होगा ना, तो वो लेवल जो है वो उसको नहीं मिलेगी। जो स्ट्राइकर की जो बेस है, बेस इज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो स्ट्राइकर का जो नीचे का सरफेस है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सरफेस स्ट्राइकर का लेवल प्रॉपरली, लेवल इसमें कहीं भी 19-20 का भी गैप नहीं चाहिए, प्रॉपर लेवल में होना चाहिए। खड्डा काफ़ी बार स्ट्राइकर में होता है तो वो खड्डा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे में स्ट्राइकर अगर आपके हाथ से फिर भी उड़ रहा है ना, तो स्ट्राइकर ये है स्ट्राइकर स्ट्रेट ग्रिप का। अब स्ट्रेट ग्रिप के स्ट्राइकर में नॉर्मली पूरा स्ट्रेट नहीं है ये, लेकिन काफ़ी हद तक स्ट्रेट है। अब ये स्ट्राइकर में आप इसको मार रहे हो, आपका आपका फिंगर यहाँ यहाँ तक आता है। अब यहाँ तक आता है स्ट्राइकर। अब आप मतलब नॉर्मली ये ग्रिप आपका है तो आप इसको फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, मतलब नीचे के पॉइंट पे लग रहा है यहाँ पे। अब ये पॉइंट से स्ट्राइकर उड़ेगा, स्ट्रेट ग्रिप का स्ट्राइकर यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा तो स्ट्राइकर उड़ने का चांस है। लेकिन अगर मान के चलो आपका आपका जो स्ट्राइकर है वो स्ट्राइकर ये स्ट्रेट है, लेकिन अगर ये यहाँ से ऐसा दबा होगा, ऐसा राउंड होगा, तो आप जब मारेंगे तो आपका फोर्स यहाँ पे लगेगा स्ट्राइकर को सेंटर में, तो ये नीचे फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्राइकर राउंड है, प्रॉपरली सरफेस लेवल है। और स्ट्राइकर राउंड अगर रहेगा ना तो आपका जो फोर्स है वो सेंटर में लगेगा। अब सेंटर में फोर्स लगने के ऊपर क्या होगा, वही हो गया कि आपका प्लेइंग सर्फ इंडेक्स तो फिंगर तो प्लेइंग सरफेस पे टच नहीं है, लेकिन जो स्ट्राइकर को फोर्स मिल रहा है वो बीच में से मिल रहा है, तो स्ट्राइकर के उड़ने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो अगर स्ट्राइकर, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई अगर ये सारी सही है तो आपका स्ट्राइकर उड़ नहीं सकता। तो आपका स्ट्राइक अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताई वो सब कुछ ठीक करने के बाद भी आपका स्ट्राइकर अगर उड़ रहा है, तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कि आपका स्ट्राइकर आप बदले। और एक स्ट्राइकर आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी ग्रिप का स्ट्राइकर नहीं है तो भी वो स्ट्राइकर आपके हाथ से उड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। मैं इस चैनल के ऊपर कैरम रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को दबाओ, उससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। और बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपके पास कोई और सजेशन है, आपने अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है तो आपने इसको किस तरह सॉल्व किया है। अगर इसके मैंने जो बताया इसके अलावा आपके पास कोई पॉइंट्स है तो वो कमेंट्स में मुझे बताओ। और कमेंट करो यार, कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब कर दो, अपना ही चैनल है स्टे ब्लेस्ड स्टे फोकस्ड कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।